तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 के लिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यह सभी प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है जो माना जाता है, कौन सा? ऋग्वेद। अगला सवाल है कि वैदिक काल में कासा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, तो क्या था शब्द? अयस। ठीक है, अयस है जो वैदिक काल में कासा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, क्या था? अयस। अगला सवाल है कि दशरागी युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको याद रखना है यह युद्ध हुआ था दशरागी युद्ध। किस नदी के तट पर हुआ था, तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, तो वह यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ है जो वैदिक काल का वह यज्ञ है जिसका संबंध रथ दौड़ से था, तो किसका संबंध था? वाजपेयी यज्ञ का संबंध था रथ दौड़ से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार है, तो वह संस्कार है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी संस्कार है जो शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। अगला सवाल है कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजस्नेयी संहिता में। ठीक है, वाजस्नेयी संहिता में इसका सर्वप्रथम प्रयोग है जो मिलता है। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक है, तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ठीक है, सामवेद है जो भारतीय संगीत का जनक है। अगला सवाल है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, तथा मेरी माता अनाज पीसती है, यह वाक्य मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यह वाक्य कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या वाक्य मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, तथा मेरी माता अनाज पीसती है, और यह वाक्य मिलता है ऋग्वेद से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है, तो वह है यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है। ठीक है, यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है और यह कथन है जो यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन करता है, तो यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन है जो यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है, तो वह वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद वह वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता है, कौन सा वेद? यजुर्वेद। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे, तो आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के। ठीक है, मध्य एशिया के मूल निवासी थे कौन? आर्य। और किसके अनुसार है जो ये आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के, तो वह है मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य है जो मूल निवासी थे कहाँ के? मध्य एशिया के। अगला सवाल है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था, तो क्या था? यज्ञ। ठीक है, यज्ञ है जो वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था, क्या था? यज्ञ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो यह आए थे बीजी तिलक। ठीक है, और यह आए थे बीजी तिलक, इसका तर्क है। ठीक है, किनका तर्क है? बीजी तिलक का तर्क है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे, और यह किसका तर्क है, तो आपको याद रखना है यह तर्क है बीजी तिलक का। ठीक है, बीजी तिलक ने कहा था कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से या उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या पाया जाता है? राज्य के निर्वाचन से संबंधित सूक्त है जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। अगला सवाल है कि वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो वह थे पुरोहित। ठीक है, पुरोहित है जो वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी थे, कौन थे? पुरोहित। ठीक है, पुरोहित थे जो राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी थे, किस युग में? वैदिक युग में।
अगला सवाल है कि छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका संबंध है सामवेद वेद शाखा से, ठीक है। सामवेद से संबंधित है, क्या संबंधित है? छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध है जो सामवेद से है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कट उपनिषद निम्नलिखित में से या निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो यह संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। तो यजुर्वेद से कौन सा उपनिषद है जो संबंधित है? तो वह उपनिषद है कट उपनिषद, ठीक है। कट उपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो यह किया गया है अथर्ववेद में, ठीक है। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग है जो कुल के अर्थ में है, जो किया गया है। किसका प्रयोग? अथर्ववेद का, ठीक है। अथर्ववेद का सर्वप्रथम प्रयोग है जो गोत्र शब्द, अथर्ववेद में गोत्र शब्द का प्रयोग है जो सर्वप्रथम कुल के रूप में किया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अगला सवाल है कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है या कौन थे? तो वह थे बृहदारण्यक और छंदोग्य, ठीक है। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद है जो प्राचीनतम उपनिषद है जो माने जाते हैं। कौन कौन से? बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद जो प्राचीनतम उपनिषद माने जाते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल के सुक्तों का संग्रह है? तो वह है मंडल तृतीय, ठीक है। मंडल तृतीय है जो विश्वामित्र के कुल के सुक्तों का संग्रह है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्या प्रश्न है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है, तो वह मंडल है तीसरा मंडल, ठीक है। ऋग्वेद का तीसरे मंडल में विश्वामित्र के कुल सुक्तों का संग्रह है जो है, किसमें है? तीसरे मंडल में। अगला सवाल है कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? तो इनका संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद है जो मिलता है, किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से वेदांग नहीं है, तो कौन सा है जो वेदांग नहीं है? वो है पुराण, पुराण है जो वेदांग नहीं है। बाकी उपनिषद, आरण्यक और संहिता, ये तीनों है जो वेदांग है, लेकिन वेराण है, सॉरी, पुराण है जो वेदांग नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, ठीक है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।